शंकर ने इनको आदेश दिया, काशीपति विश्वनाथ ने इनको आदेश दिया, बोले आप जो है बद्रीनाथ जाइए और बद्री का आश्रम में बैठ करके आप वहां पर ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करिए, लेखन करिए, स्वयं भगवान शंकर ने। और उस समय पर इनका साथ में एक शिष्य था जिसका प्रथम शिष्य हुआ वह, जिसका नाम था सनंदन। वह प्रथम शिष्य आगे जाकर के पद्मपादाचार्य के रूप में विख्यात भी हुआ है। तो जब ये वहां पहुंचे बद्री का आश्रम में, तो बद्री का आश्रम में वहां पर इन्होंने बद्रीनाथ उन्होंने वहां पर एक मंदिर देखा और वह मंदिर का जब दर्शन किया तो उस मंदिर में उन्होंने देखा कि मंदिर तो भव्य है लेकिन मंदिर में मूर्ति नहीं है, श्री विग्रह नहीं। तो उस समय उन्होंने पूछा वहां के आचार्यों से, भाई यहां मंदिर की जो थी ये मूर्ति कहां गई? तो बोले महाराज क्या करें, बौद्धों का जब पीछे वर्चस्व था, ये तो आप आए हैं पधारे हैं तो आपकी वजह से हम लोग थोड़ा सा ये यहाँ पर सनातन धर्म की चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो सनातन धर्म का तो लोप हो चुका था। तो बौद्धों ने यहाँ पर आक्रमण किया और बौद्धों ने आक्रमण करके इस मंदिर को नष्ट और भ्रष्ट करने की व्यवस्था की। और उस समय पर यहाँ की मूर्ति को लेकर के हमने कही ये मूर्ति को नष्ट ना कर दे, तो हमने मूर्ति को लेकर के नारद कुंड है नीचे, उस नारद कुंड में हमने डाल दिया मूर्ति को बचाने। बोले अच्छा, बोले अब तो आप आए हैं तो आप ही कृपा करें, अब कैसे क्या हो नई मूर्ति की? बोले नहीं, नई मूर्ति की स्थापना नहीं होगी। तो बोले क्या? बोले जो पुरानी मूर्ति थी, जो पुराना श्री विग्रह था, उसी की स्थापना होगी। और यह कहकर के वह सब लोगों को साथ में लेकर के भगवत पाद आद गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री गुरुदेव नारद कुंड पहुंचे और नारद कुंड में जाकर के उन्होंने उस नारद कुंड में गोता लगाया। और जब गोता लगाया तो उस समय उनके हाथ में एक श्री विग्रह आया भगवान नारायण का, बद्री विशाल का। तो उन्होंने उस श्री विग्रह को देखा तो खंडित था, वह श्री विग्रह जो था वह खंडित था। और सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार, सनातन धर्म की व्यवस्थाओं के अनुसार, सनातन धर्म के अनुष्ठान पद्धति के अनुसार खंडित विग्रह की स्थापना नहीं होती। तो इन्होंने पुनः उसको विसर्जन कर दिया नारद कुंड में, पुनः इन्होंने गोता लगाया और गोता लगा करके उसके तल में गए तो फिर पुनः हाथ में आया तो वही श्री विग्रह हाथ में आया। खड़े हो गए, सोचने लगे, बोले उस वह जो है उसको विचार करने लगे कि खंडित बार बार मेरे हाथ में। उसी समय आकाशवाणी, और आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया कि हे शंकर, कलयुग में यही श्री विग्रह की अर्चना की जाएगी, इसको बेफिक्र होकर के बिना किसी तर्क वितर्क के इसको इसी मंदिर में प्रतिष्ठापित करो, यही श्री विग्रह। और आज भी बद्री विशाल जो वर्तमान समय में आप लोग वहां जाएंगे तो बद्रीनाथ जी महाराज का जब आप दर्शन करेंगे तो हमारे सनातन धर्म में खंडित प्रतिमा का, खंडित श्री विग्रह का पूजन करने का प्रावधान नहीं, लेकिन बद्री विशाल में, बद्रीनाथ में बद्री विशाल का जो श्री विग्रह है, आज भी उसके बाएं हाथ की सबसे छोटी जो उंगली है, उसका छोटी उंगली का जो नाखून है वो टूटा हुआ है उसका, वहां पर आज भी रावल लोग जो है दर्शन कराते। अच्छा, ये रावल परंपरा कहां से आई जरा विचार करिए, जो पुजारी हैं, जो वहां के जो प्रधान पुजारी होते हैं, ये प्रधान पुजारी होते हैं रावल, इनको रावल कहा जाता है। और ये नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं केरल के, ये केरल के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं। और जब ये केरल के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं तो स्थिति क्या है जरा विचार, ये कहां से परंपरा बनी, अर्थात इसके पीछे भी एक रहस्य है। और वो रहस्य ये है कि दक्षिण की परंपरा जो है इधर बद्री आश्रम तक जाए, बद्री की परंपरा तो चारों दिशाओं की परंपरा आपस में सम्मिलित हो, इस भाव से भगवत पाद आद्य गुरुदेव शंकराचार्य शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री गुरुदेव ने यह परंपरा को निर्धारित। एक और कारण रहा, इनकी माता का जो गोत्र था वह नंबूदरी ब्राह्मण से थी, वह नंबूदरी ब्राह्मण परिवार से थी, तो इस कारण से भी, चूंकि मां ने ही इनका लालन पालन पोषण किया था, तो इस कारण से भी इनका उस नंबूदरी ब्राह्मण के प्रति प्रेम भाव था। और प्रेम भाव होने के कारण
प्रेम भाव होने के कारण से ही इन्होंने वहां पर एक रावल, जिसको आज प्रधान अर्चक जो है वो वहां पर रावल कहा जाता है, उसकी वहां पर व्यवस्था की और वहीं पर ये रुक गए। अब इनका वो 16वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है, ये 16 साल के हो रहे हैं और 16 साल की उम्र में इनका पुनः मृत्यु योग बनता है, क्योंकि 8 वर्ष पर तो इन्होंने संन्यास ले लिया, तो जो मृत्यु योग था वो 8 वर्ष पर संन्यास लेने से उनका पुनर्जन्म हो गया। अब वह 16 वर्ष, 8, 8 × 16, तो 16 वर्षों पर जाकर के इनका पुनः मृत्यु योग बनता है। तो जब मृत्यु योग बनता है तो उस समय पर ये ब्रह्मसूत्र की जो है व्याख्या लेखन कर रहे थे, तो उसी समय जब ये ब्रह्मसूत्र नियमित रूप से संध्या काल होता था, शाम होती थी, तो शाम के समय पर सभी लोग चर्चा पर चर्चा करते थे, तो चर्चा पर चर्चा करते थे प्रातः काले, पूरी रात्रि भर ये जो है लेखन करते थे, विश्राम नहीं करते थे, लेखन में लगे रहते थे, लिखते रहते थे प्रातःकालीन वेला में अपने सारा उसके ऊपर, फिर चर्चा होती थी ब्रह्म सूत्र के ऊपर। तो तीसरे अध्याय का तीसरा और पहला मंत्र 3 और 3 = 1 ऐसा करके जो है ब्रह्म सूत्र की व्याख्या जब की गई, तो उसके ऊपर आकर के स्वयं एक ब्राह्मण आया और उसने आकर के उस एक सूत्र के ऊपर शंका की, और जब शंका की तो स्थिति क्या हुई, शंका करते ही स्थिति क्या हुई कि उसने एक खंडन किया उस सूत्र का। तो जब खंडन किया तो शंकराचार्य जी महाराज श्री जी ने उसका जो है बताया कि भाई तुम जो खंडन कर रहे हो गलत है, ऐसे नहीं है, ऐसे है। बोले अच्छा ठीक है, कल प्रातःकालीन आएंगे। वो वृद्ध ब्राह्मण जो है बूढ़ा ब्राह्मण चला गया, दूसरा दिन हुआ, दूसरा दिन प्रातःकालीन वेला में वह है ब्राह्मण आया। अब तो वहां पर शास्त्रार्थ छिड़ गया, शास्त्रार्थ इतना जबरदस्त छिड़ा कि लोग देखने वाले सुनने वाले ये कहते थे कोई साधारण शास्त्रार्थ नहीं हो रहा। उसकी जितनी शंकाएं थी ब्रह्म सूत्र के प्रति, वह वृद्ध बूढ़े ब्राह्मण की जितनी शंकाएं थी ब्रह्म सूत्र के प्रति, उन सब शंकाओं का निराकरण करते हुए भगवत पाद आदि गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री जी गुरुदेव आगे बढ़ते चले, सब समझाते चले। वो रोज एक नई शंका रखे, रोज एक गुणाती गुण, छोटे से छोटी शंका, ऐसी शंका लेकर स्थिति ये आ गई। 11वें 12वें दिन तो स्थिति ऐसी आ गई, स्वयं शंकराचार्य जी महाराज श्री जी जो है आश्चर्यचकित हो गए, बोले कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता। उन्होंने पूरी रात्रि भर चिंतन किया और चिंतन करके जब प्रातःकालीन वेला हुई तो उन्होंने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा प्रभु आप मुझे ये बताइए आपका स्वरूप क्या, आप मुझे ये बताइए, दर्शन आप मुझे दीजिए, आप मुझे ये, क्योंकि जो शंका आप मेरे ब्रह्म सूत्र में कर रहे हैं ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं कर सकता, ये मैं समझ चुका। उसी समय उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपना परिचय दिया, बोले मेरा परिचय, मैं वेद व्यास के स्वरूप में हूं, मैं स्वयं वेद व्यास हूं, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था और तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जाओ मैं तुम्हें तुम्हारी दुगनी आयु और ये तुम्हारा जो 16वां वर्ष था जिसमें तुम्हारी मृत्यु होनी थी लेकिन अभी कार्य अपूर्ण है, अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि अभी तुम 16 इसके दुगने अभी और जियोगे और उस जीवन का मैं तुम अपना ये सारा कार्य संपूर्ण कार्य पूर्ण करोगे। देखिए संतों का आशीर्वाद, संतों की कृपा कहीं निष्फल नहीं होती। 16 वर्ष में जाकर के उन्होंने वहीं पर बद्री का आश्रम में, आज भी शंकराचार्य चट्टी बद्रीनाथ पर है, बद्रीनाथ पर आज भी शंकराचार्य चट्टी है, आप वहां जाइए दर्शन करिए आपको अनुभूति होगी। अब वहां से